हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ 12 5G फ़ोन है, तो IQ 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नोटिफिकेशंस लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने IQ 12 5G फ़ोन में, और नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर पाएंगे IQ 12 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं, आप कैसे शो कर सकते हैं नोटिफिकेशंस लाइट को IQ 12 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कर सकते हैं IQ 12 5G फ़ोन में, तो सिंपली जैसे आपकी फ़ोन की सेटिंग्स से शो हो रही है, फिर आपको इस पे जाना होगा सिस्टम कंट्रोल एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे। इस पे जाते ही आपके यहाँ फ्लैश नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है आ जाएगा। तो नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से इनकमिंग कॉल फ्लैश को इनेबल कर देना है, जिससे कोई भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आता है तो जो फ्लैश लाइट है आपकी नोटिफिकेशंस में शो करेगी और बार बार ऑन ऑफ होगी। तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस लाइट में फ्लैश लाइट को शो कर सकते हैं, और साथ में इनकमिंग कॉल्स वगैरह में भी आप शो कर पाएंगे और इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, और इनेबल या ऑन कर देते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस में लाइट को भी शो कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कर सकते हैं IQ 12 5G फ़ोन में, और साथ में ही आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश रेट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप रिफ्रेश रेट को 60-90 Hz जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।